शिवराज है साहब, शिवराज जाट। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। यहाँ आरटीओ बैरियर सुहागी में क्या मामला आपके साथ हुआ है? मामला सर मनमर्जी पैसा ले रहे हैं सर, 4,000 रुपये दे दिया, फिर भी बोलता है 2,000 रुपये वो लेके हो। मैं बोला साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मालिक ने मना कर दिया। तो फिर बोलता है मैं तो चालान होगा, बोला साहब चालान का पैसा भी नहीं है। काहे की गाड़ी आप ली है? टेलर है सर। क्या लोड है? टैंक है, सीमेंट का टैंक। 4,000 रुपये यहाँ काहे के ले लिया गया सर? देखो गुंडा राज है ना सर, क्या करें। कितने दिन से आप यहाँ? मैं 4 दिन से खड़ा हूँ सर, कोई खाना पीना कोई पूछता ही नहीं, चाय भी पिया खाना खाया कुछ कोई नहीं पूछने वाला सर। सुहागी आरटीओ चेक पोस्ट पर पिकअप वाहन मालिक एवं चालक के साथ कर्मचारियों ने की मारपीट। विधायक के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पदाधिकारी तो कर्मचारी आरटीओ पोस्ट छोड़ के भागा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पूरा मामला रीवा जिले के त्योथर तहसील के सुहागी आरटीओ चेक पोस्ट का है, जहां पदस्थ कर्मचारी पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतारू है। आए दिन वाहन मालिकों एवं चालकों से अवैध वसूली के साथ ही विरोध करने पर मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं एक बार पुनः चेक पोस्ट में पदस्थ कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां रीवा से चाक घाट की ओर लौट रहे बघेड़ी निवासी प्रकाश चंद गुप्ता एवं चालक के साथ देर रात्रि करीब 11:30 बजे मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। उन्हें आंतरिक एवं बाहरी चोटें आई हैं। वहीं लगातार चल रही लूट घसोट एवं क्षेत्रीय लोगों के साथ हो रही मारपीट के पश्चात स्थित से रूबरू होने पर विधायक श्यामलाल द्विवेदी आज पहुंचे तो आरटीओ चेक पोस्ट पर पदस्थ कर्मचारी और गुंडे 9-2-11 हो गए। बता दें कि प्रकाश चंद गुप्ता जो नगर परिषद चाक घाट भाजपा पार्षद मानिक चंद्र के भाई है, जहां देखते ही देखते आज दोपहर 12 बजे के पश्चात सैकड़ों की संख्या में भाजपा के समस्त कार्यकर्ता एवं नेता और क्षेत्रीय वाहन मालिक व्यापारियों की भीड़ पड़ी। वहीं विधायक द्वारा मामले पर कलेक्टर से बात करने के उपरांत मौके पर SDOP समरजीत सिंह, पुलिस बल के साथ नायब तहसीलदार दिलीप शर्मा पहुंचे। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के पश्चात मौके पर आरटीओ की स्थिति का पंचनामा बनाया गया। वहीं मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई और सस्पेंड करने हेतु विधायक ने मांग की है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर यीशु केसरबानी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। प्रकाश सिंह गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? बघेड़ी चाक घाट। आरटीओ बैरियर में क्या घटना आपके साथ घटी है? कल 11 बजे मैं माल लाद के आ रहा था तो यहाँ रोका गया, रोकने पर 3,000 की रसीद, 2,500 की रसीद काटी गई, 500 रुपये घूस लिया गया और 100 रुपये चक्कर आने जाने का मांग रहे थे। इसी के विवाद लेकर कर्मचारी लोग मारपीट उतारू हुए और घसीट कर पिकअप से घसीट कर मुझको अंदर ला करके पेड़ के नीचे मारे। आज आरटीओ बैरियर में मारपीट की घटना सामने आई है, यहाँ आप उपस्थित हैं, किस प्रकार से मामला है और क्या आगे कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? आज दोपहर लगभग 1 बजे के करीब ऐसी जानकारी मिली कि माननीय विधायक जी आरटीओ बैरियर में हैं और आरटीओ बैरियर की कोई समस्या है। इस पर से मैं यहाँ पर आया तो विधायक जी बैठे हुए थे और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हुई कि प्रकाश चंद जी हैं अपने बघेड़ी चाक घाट के, ये कल रात में यहाँ से निकल रहे थे अपना पिकअप गाड़ी पर, तो आरटीओ बैरियर में कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की, उनसे पैसे लिए गए हैं, इस बात की जानकारी मिली है। उसी समय तहसीलदार साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं, तो मौके पर जब देखा, जानकारी उठाया तो यहाँ पर आरटीओ बैरियर में कर्मचारियों की तैनाती तो है लेकिन कोई भी कर्मचारी यहाँ पर जो तैनाती का है वो हमको नहीं मिला, उसका पंचनामा भी हमने तैयार किया है नायब तहसीलदार साहब ने, और प्रकाश चंद जी के साथ जो मारपीट की गई है उस संबंध में हम उनका अभी मेडिकल कराएंगे और जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की तरफ से वो कार्रवाई करेंगे। जैसा कि सर यहाँ आए दिन घटनाएं लोगों के साथ हो रही है, क्या इससे पहले भी आप लोगों को इस बारे में जानकारी या अवगत किसी ने कराया? नहीं, हमारे पास कोई जानकारी देने नहीं आया था इस संबंध में कि यहाँ प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, और अब हमारे संज्ञान में ये बात आई है तो ये वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम इसकी रिपोर्ट भेजेंगे और अपनी तरफ से भी यहाँ व्यवस्था बनाएंगे। कितने लोग थे जो कल जो घटना हुई मारपीट की, इसमें कितने लोग? उसमें जो चर्चा में बताया है कि 8-10 लोग थे मारपीट करने वाले, तो उनका पता लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सुहागी पहाड़ में जो बैरियल है एकदम जंगल राज्य यहाँ हो गया है। आम जनमानस को, वाहन चालकों को राहत दिलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाए और ये लूट मचाए हुए हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया है हमारा आरटीओ बैरियर, तो
तो इसकी गौरव गरिमा भी नष्ट हो रही है, उसको स्थापित करें। और जो कर्मचारी आज इस डीओपी साहब बैठे हैं, नायब साहब बैठे हैं, कि आएं हम उनसे बात करें, चीत करें, अब तक 3 घंटे से कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आया। आग्रह मेरा सादर प्रशासन से ये है कि इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, और प्रकाश चंद गुप्ता के साथ उसके साथियों के साथ जो मारपीट की गई है उनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखी जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाए। और सुहागी वैरियल बहुत पुराना वैरियल है, इसकी मर्यादा को कायम रखने के लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देने का कष्ट करे, यही मेरा आग्रह है शासन से, प्रशासन से। आज मुझे SDM महोदय त्योथा के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय विधायक त्योथा RTO बैदिया पर उपस्थित हुए हैं, और इस बारे में उन्होंने SDM महोदय के द्वारा मुझे बोला गया कि वहाँ पर जाके देखिए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो गई है। जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो प्राप्त जानकारी हुई, और देखने पर भी पता चला कि यहाँ पर कोई भी RTO के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित नहीं है। उसके संबंध में पंचनामा तैयार किया गया है, और जिनके भी साथ मारपीट की घटना की गई है उनका पंचनामा, उनका FIR कॉपी ली जाकर कलेक्टर महोदय को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा।